Now I'm overacting, but किया जाएगा तो फिर इनको कोई ना कोई पकड़ लेगा। और मैं गाइस मीट आवर बॉडी गर्ल्स राधा भाई। ही से बड़ा सुंदर लगता है, जस्ट लव द व्यू। वेरी बैड स्किन डे सीरियसली, सुबह से मेरे वेलकम बैक टू माय व्लॉग वीडियो चैलेंज। सो इट्स डे 22 ऑफ डे 60 व्लॉग वीडियो चैलेंज। ये फाइनली हमारा मतलब अभी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ब्लॉगिंग्स चल रहे हैं, बट टाइम के अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है एंड मेरा फेस थोड़ा सा सूजा हुआ है। आई डोंट नो, मतलब सुबह जब मैं उठी तो मेरे फेस पे बहुत सारे दाने भी हो रखे थे, नए दाने आए हुए थे। तो मैं बेसन और हल्दी का थोड़ा पेस्ट लगाई हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होते हैं, तो मे भी थोड़ा स्किन क्लियर हो जाए। तो हाँ अभी थोड़ा बहुत ज्यादा कम लग रहा है, बट यहाँ यार इतने सारे दाने, अब आई डोंट नो गर्मी के दाने थे कि क्या थे, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता। आज है जैनब का बर्थडे तो मैं सोची हूँ अपनी तरफ से मैं जैनब को सरप्राइज दे दूँ, तो मेरे साथ साथ भी जा रही है खाला की बेटी, हाय। तो इसको मैं आउटफिट जो पहना चुकी हूँ एंड मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ एक्चुअली, आउटफिट बहुत ज्यादा है, बट गर्मी ऐसी चटचटाती हुई है ना कि ऐसे गर्मी में बस यही सोचू क्या ही पहना जाए। सो फाइनली मैं ये वाली फ्रॉक डिसाइड कर रही हूँ कि मैं इसी को पहन लेती हूँ, क्योंकि ये फ्रॉक भी है, कवर्ड भी है एंड ऐसा नहीं है कि इस फ्रॉक को मैं डिसाइड क्यों कि इसी को हम कैरी कर लेते हैं। जैनब को भी वेन्यू नहीं पता, इसे भी वेन्यू नहीं पता, वेन्यू सिर्फ मुझे पता है। तो ये सरप्राइज बर्थडे पार्टी मेरी साइड से जैनब के लिए होने वाला है, तो मैं बोली चलो हम लोग मतलब मस्त इंजॉय करते हैं। एक्चुअली जैनब के घर पे अभी थोड़ा सा रिनोवेशन वगैरह का काम चल रहा है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा बिजी है, तो हम लोग काफी टाइम से मिले भी नहीं है, तो इसीलिए मैं बोली यार इट्स योर बर्थडे लेट्स सेलिब्रेट। तो फिर फाइनली हमने प्लान किया, बट ऐसी चटचट आती हुई धूप है कि आउटफिट से लेके आउटफिट से रिलेटेड हम लोग सभी लोग कंफ्यूज्ड हैं। सो या फाइनली आई एम गोइंग टू वेयर दिस वन एंड इसको पहन के मैं रेडी शेडी होकर के दिन मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो यस टेक केयर किड विद माय व्लॉग। सो गाइस हियर आई एम डन विद माय लुक एंड टुडे इज माय वेरी बैड स्किन डे सीरियसली। सुबह से मेरी स्किन की वाट लगी पड़ी है एंड बहुत लाइट सा मैंने मेकअप भी करे है। फेस बेस एज यू कैन सी देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं लगाया है मैंने, मैं बहुत बहुत ज्यादा लाइट की हूँ एंड इसको भी मैं रेडी करा दी हूँ। हेलो पता ही है, आई डोंट नो हाफ ऑफ द टाइम ये क्या सोचते रहती है, कौन से प्लैनेट पे रहती है, किधर रहती है, मेरे को भी नहीं समझ में आता है, तो उसको टाइम टू टाइम पिंच करना पड़ता है कि डेट हेलो हेलो। आज मैंने कुछ थोड़े से हेयर स्टाइल क्रिएट किए हैं, इट्स लाइक दिस और अंदर से ऐसे हमने कर लिया एंड दिस इज माई लुक। एक्चुअली जैनब इज टेकिंग हर टाइम, अभी उसको 20 मिनट्स और लगने वाले हैं एंड हियर आई एम डन। अभी जस्ट मैं उसे कॉल की थी एंड शी इज लाइक कि अच्छा बस 20 मिनट्स। मैं बोली वो आर 20 मिनट्स में यार, हम लोग यहाँ से गांधी मैदान पहुंच जाएंगे एंड सीरियसली वी आर गेटिंग टू लेट बिकॉज अभी 4 बजने वाले हैं और हमने डिसाइड कर दिया कि 4:20 तक हम अपने वेन्यू पे पहुंच जाएंगे, बट अभी तक 4 बजे तक हम अपने घर पे ही है। यहाँ से हमें बोरिंग रोड जाना है, समझ लो कि इतना ज्यादा डिस्टेंस हमें कवर करना है एंड आई डोंट नो हम केक किधर से बाय करेंगे। अब यार उससे मिलके ही देन मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मजा आ जाता है ना, पता नहीं क्यों दूसरे मजा ही नहीं आता है। पूछे तो उसका क्या प्राइस है, वो शायद 500 का होगा, वो जो उधर कॉर्नर में बोले थे ना। और इसका क्या है, 450। अच्छा ये दोनों का 500, ये दोनों फाइनली हम अपने वेन्यू पे पहुंच चुके हैं, वी आर इन लेफ्ट, बस फटाफट से निकल रहे हैं। एक्चुअली बाहर गर्मी, ओ माय गॉड लुक एट द व्यू यार, यही से बड़ा सुंदर लगता है, जस्ट लव द व्यू। अगर आपको बर्थडे से लिए बोलना बंद करें क्या, उधर से खुलेगा ना, यस। तो गाइस लुक एट दिस, यहां डेकोरेशंस एंड ऑल जो है सो सब रेडी शेडी हो रहे हैं और मस्त डेकोरेशन हो रहा है पीछे में, तो अभी डेकोरेशन जैसे फाइनल हो जाएगा हम लोग केक कटिंग कराएंगे इनकी एंड हमने अपना फूड ऑर्डर कर लिया है। यहाँ का भी आपको कैसा लगा, बहुत ही ज्यादा। सो हाउ वाज द सरप्राइज, बहुत पता है पहले ये उनसे वेन्यू पूछ रही थी, दैट वेयर इज द वेन्यू, वेयर इज द वेन्यू, मैं ये बोली अच्छा ठीक है तो हिंट तो दे दो, मैं इसको बोली पिंक पिंक, ये समझ गई ओके आप मुझे यही लेके आ रहे हो, यहां ही पिंक पिंक
और हम लोग जैसे एंट्री किए हैं यहाँ कितने लोगों का बर्थडे हो रहा था ऑलमोस्ट आज बहुत लोगों का बर्थडे है यार, मतलब 23 सितंबर को बहुत लोग पैदा हुए हैं। पैदा हुआ उसमें से मैं बहुत अच्छी सी प्यारी सी गुड़िया पैदा हुई हूँ। विश कर देना यार आप लोगों ने, बहुत हाई करते हो कमेंट सेक्शन में। चलो आज इस रेस्टोरेंट का, इस कैफे का थोड़ा बहुत हम लोग व्यू लेंगे एंड व्यू के साथ साथ फिर वहाँ हम केक कटिंग कराएंगे। एक्चुअली आई लव द व्यू, मैं जब यहाँ पहली बार आई थी ना तब से, और अगर अभी बरसात हो गया और मैंने भी देखा था ये फोटो हाँ। में तो बड़ा क्यूट सा बड़ा बहुत यहाँ है ना कि सेल्फी पॉइंट्स बहुत है, फोटोज मस्त ले लो आप मंदिर के। और अगर बरसात हो गया तो पता है यहाँ का व्यू इतना सुंदर लगता है, इतना सुंदर लगता है, बहुत अच्छे। चलो कुछ कुछ क्लिप्स में आप लोगों को यहाँ दिखाती हूँ। लेट्स गो। सो गाइस, इस कैफ़े में मैं आज से पहले भी जा चुकी हूँ और मुझे ना यहाँ की पर्सनली सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। हेयर यू विल गेट लॉट्स ऑफ सेल्फी पॉइंट्स, पिक्चर पॉइंट्स, बहुत सारे फ़ोटोज़ एंड ऑल आप क्लिक करा सकते हो। शाही प्लस क्या शाही और वो बोल्ड सब एक एक, एक के अंदर ही है, ऑल इन वन पैकेज। लुक एट दिस, ये असली वाली चिड़िया और चूचू चूचू ये बोल भी रही थी। और देखो ये लोग इंसान से कितना ज़्यादा डरती हैं क्योंकि इंसान इन्हें कैद कर लेता है। यार आजकल मैं इतना संटी बातें करने लगी हूँ ना, बट सच बोलती हूँ, सबको फ्रीडम का पूरा हक है। बट एक चीज़ ये भी, अगर इन्हें फ्री किया जाएगा तो फिर इनको कोई ना कोई पकड़ लेगा, और मे बी जो पकड़े वो इनका और ज़्यादा मिसयूज़ कर दे, मार दे, कुछ भी कर दे। तो कभी कभी ऐसे कैद सेफ भी होते हैं, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। Look at her. Hello. इसको पता है ठोक ठोक के याद दिलाना पड़ता है, यू आर लिविंग लिविंग थिंग नॉट थिंग, यू आर लिविंग ह्यूमन। कुछ तो बोलो यार, मुंह तो खोलो। हेलो हेलो गाइस, अभी तक डेकोरेशन हो ही रहा है। ये देखो गोल्डन बलून कितना सुंदर लग रहा है ना। ओह माय गॉड, तुम कितना ग्लो कर रही हो। पता है आई एम री एडिटिंग दिस वीडियो क्योंकि यहाँ म्यूजिक इतना ज़्यादा लाउड था ना, अभी जस्ट मैं वीडियो पोस्ट कर दी थी फिर इस वीडियो पे आ गया कॉपीराइट, या क्योंकि यहाँ ना बहुत लाउड आपको मिलेगा म्यूज़िक। सो इसीलिए मैं सोची कि चलो वॉइस ओवर ही कर देते हैं। एंड यहाँ मैं कैमरामैन को बोल रही थी, एक्चुअली वेटर से ही हमने रिकॉर्डिंग करा ली थी क्योंकि हम तीन ही लोग वहाँ गए थे बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। जितने कम लोग हो यार आपके ग्रुप में, आपका दिमाग उतना ही शांत होगा। इसलिए मैं भी बहुत ज़्यादा ऐसे गैदरिंग में फ्रेंडशिप नहीं करती हूँ। एंड या वी फील गुड। एक्चुअली ये वेन्यू ना बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, या फिर अगर आपको क्यूट क्यूट से पोजेस देने हैं, पिक्चर्स लेने हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, या फिर अगर आपको फर्स्ट टाइम डेट पे जाना है ना तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब मुझे यहाँ का लुक थोड़ा सा अच्छा लगता है, बहुत क्यूट सा लगता है, मतलब या सही लगता है। ये कोई नई बात नहीं हुई, मेरा हमेशा कट है। हेलो, ये है यार, ये एक लड़की है, ये कुछ बोलती रही, इसको बोलने को फोर्स करना होता है। सबसे पहले कौन सा
यहाँ हमने इस कैफ़े का स्पेशल चिकन बिरयानी ऑर्डर करे थे, जिसमें कि नॉर्मल चिकन बिरयानी के क्वांटिटी से ज़्यादा होता है, और यार हम लोग बहुत फुल हो गए थे। हेलो, गाइस हम लोग इतने मस्त इतने आराम से यहाँ बैठे पड़े, लग रहा है कि हमारे ही घर है एकदम। सात बज चुके बट अभी घर जाने की कोई जल्दबाजी नहीं है, और ये इससे तो लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया। उसको बोलना पड़ता है कि याद करो कि तुम हमारे साथ हो, तुम हो यहाँ प्रेजेंट। उससे बार बार ये चीज़ बोलना पड़ता है भाई। और यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाती हूँ बाहर का। सो यहाँ मज़ा तो आया। अभी नीचे जाके हम लोग और पिक्चर्स लेंगे और फोटो खींचने हम लोग को, आराम करें हम लोग। हाँ थोड़ा थोड़ा हम लोग टाइम टू टाइम थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। चलो नीचे और बर्थडे पार्टी इज डन। एंड यहाँ का व्यू मुझे काफी ज्यादा पसंद है बिकॉज पिंक पिंक्स है। एंड यहाँ सब कुछ सही रहा, एवरीथिंग वाज गुड। हाउ वाज द टेस्ट? अमेजिंग। हाउ वाज द पार्टी? गुड गुड गुड। मैं आपको ले ही नहीं रही हूँ कि आप थम्स अप दिखा रही है। अच्छा ओके, सो वी आर मूविंग, लेट्स गो। दिस इज कॉल्ड ट्रैफिक। ओ आज पता चला मुझे लगा मुड़ गई सब है। यहाँ बहुत ज्यादा रात भी हो चुकी है, एंड हम लोग बहुत रात में अपने घर पहुंचे हैं। मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं, ऐसे बाहर में तो बहुत ज्यादा रश है, बट हमें ऐसा थोड़ा सा लेट हो गया। और वैसे भी अभी इतनी ज्यादा चिड़चिड़ाती हुई धूप निकल रही है कि आप 5 बजे से पहले दिन तो पहले में बाहर निकल ही नहीं सकते, यू विल मेल्ट। या वैसे भी हम तो मोम के बने होते हैं ना, मतलब हम लड़कियां मोम से नाजुक होते हैं ना, तो हम तो ऑब्वियस बात है कि इतनी तेज धूप में नहीं निकल सकते। लिटरली आज मेरा इतना बैड स्किन डे रहा ना, मुझे नए नए से दाने आए। आई डोंट नो कैमरा कैप्चर कर पा रही है नहीं, बहुत छोटे छोटे से गर्मी वाले दाने हैं। बट हाँ भाई साहब हैं, लुक एट माय कंडीशन, इट्स वेरी स्वेटी स्वेटी। सो टुडे आई गॉट लॉट्स ऑफ कमेंट कि तुम बहुत ओवर एक्टिंग करती हो, ओवर एक्टिंग करती हो। एक्चुअली नाउ आई एम ओवर एक्टिंग, बट मैं तो बहुत प्यार से आप लोगों से बात करती हूँ, बहुत ही अच्छे से, बहुत समझदार से। बट देयर आफ्टर कुछ भी लोग ऐसे हैं जिनको मेरी ये नेचुरल एक्टिंग ना ओवर एक्टिंग लगती है। So if I will start doing overacting, then of course आपसे handle नहीं होगा, because I know very well that how to overact and I know very well that how to normal act. And आज मुझे एक और comment आया कि that इसके पास कुछ है नहीं, but ये show off बहुत ज़्यादा करती है। I have a lots of things, alhamdulillah. Yes, alhamdulillah. I have a lots of things. But thereafter बहुत सारे लोग ऐसे चुल मचती है ना, so they feel like that oh my god she is overacting, she is doing this that blah blah blah, so I don't want to react, but क्या बोलूँ, कभी कभी ऐसा मन होता है ना that yeah of course I have to react, and if I will start overacting then सच बता रही हूँ किसी को digest नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं overacting बहुत गंदा करती हूँ, बहुत गंदा। एंड आई नो वेरी वेल कि ओवर एक्टिंग कैसे किया जाता है, कैसे बोलना होता है, कैसे सहना होता है, कैसे रिएक्ट करना होता है। आई नो दैट थिंग वेरी वेल, किस टोन में बोलना होता है, किस टोन में बोलना होता है। इफ आई विल स्टार्ट दैट टोन सो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगा। आई नो कि मेरे व्यूअर्स कैसे हैं, किस एरिया से बिलोंग करते हैं, किस लोकेलिटी से बिलोंग करते हैं, सो मैं उनके अकॉर्डिंग बहुत नॉर्मल वीडियोज बनाती हूँ। बट देयर आफ्टर अगर आपको लगेगा डेट आई एम ओवर एक्टिंग, सो आई एम स्पीचलेस। या आ जाओ अब अपने नॉर्मल अवतार में आते हैं। मैं बहुत पोलाइटली बात करती हूँ सबसे, बट फिर भी ऐसे पिंच नहीं करना चाहिए ना किसी को। विलन पैदा नहीं होते हैं, विलन बनते हैं, ये बात पता ही कि नहीं आप लोग को, पता है ना। सो किसी को आप इतना पिंच मत करो कि वो अच्छे इंसान से बुरे इंसान बनने में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। आप समझा सकते हो किसी को, बट आप किसी को ऐसे पिंच नहीं कर सकते हो, बिकॉज या विलन पैदा नहीं होते हैं, विलन दुनिया में आके बनते हैं खुद से, दुनिया वालों के रिएक्शन से ही, दुनिया वाले के एक्शन से विलन रिएक्ट करते हैं और फिर वो विलन बन जाते हैं। सो ऐसा मत करो,
आज मेरे को रिसीव हुआ है ये रोल और इसको मैं ऑर्डर करके मंगाई हूँ मीशो से। तो ये 3 रोल मेरे को रिसीव हुआ है और इसको हम लोग लगाने वाले हैं। कहाँ लगाने वाले हैं, आई विल शो दिस थिंग। सो ये 3 रोल मुझे मिले हैं ऑलमोस्ट 283 रुपीज़ के आसपास में। एक रोल में 2 मीटर है एंड सेंटीमीटर इसका मतलब इसका चौड़ाई जो है ना इट्स लाइक 60 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई और 2 मीटर इसका लंबाई है। तो मैं इसे लगाने वाली हूँ बाथरूम के दरवाजे पे, क्योंकि बाथरूम का जो दरवाज़ा है वो एल्यूमिनियम का है, उस पर कुछ भी प्रिंट वगैरह नहीं है, वो प्लेन है। तो उस पर मैं इसको लगाने वाली हूँ एंड ये मार्बल लुक देने वाला है, बहुत शाइनी सा है। एक रैप इसका खुला हुआ है और ये स्टिकर है। सो जिस तरीके से मैं इसको लगाऊंगी ना, सो डेफिनेटली आई विल शेयर। तो आज वाले ब्लॉग में तो हम नहीं शेयर करेंगे, बट नेक्स्ट वाले ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको किस तरीके से लगा रही हूँ मैं। एंड बस जैसा मैं सोची हूँ, वैसा जैसा होप की हूँ, वैसा ये एकदम उतर के आ जाए उस पर। सो नाउ आई एम गोइंग टू चेंज माई आउटफिट बिकॉज आई एम सो टायर्ड एंड बहुत ज़्यादा से गर्मी से भी हो रही है। फैन बंद है भाई, फैन मैं इसलिए बंद करती हूँ क्योंकि क्लियर आवाज़ नहीं जाता है। मैं देखो आप लोग का इतना ध्यान रखती हूँ, बट यार आफ्टर लोग बोलते हैं मैं बहुत ओवर एक्टिंग करती हूँ, कुछ है नहीं फिर भी मैं शो ऑफ करती हूँ। भाई शो ऑफ करना किसको बोलते हैं मुझे तो नहीं पता, आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से पता होगा, आप लोग करते होंगे जिन जो अपनी ज़िंदगी में बहुत शो ऑफ करते हैं उन्हें पता होता है कि शो ऑफ किसी को बोलते हैं। मैं करती नहीं हूँ तो मुझे हर चीज़ बहुत नेचुरल सा लगता है। सो या लेट्स मूव जस्ट चेंज द आउटफिट, क्योंकि इस आउटफिट में बहुत गर्मी है और आज का टेम्परेचर मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ही हाई था। ऐसा लग रहा है ना सूरज एकदम सर पर आगे सवार हो चुका है। मैं अपना आउटफिट एंड ऑल सब कुछ चेंज करती हूँ, देर में आप लोगों से मिलती हूँ।